फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मधु उपाध्याय। आज मैं आपको एक्वालॉजी का जो ब्रांड है उसका मैं रिव्यू दूंगी। मैंने एक्वालॉजी का ये सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और ये फेस वॉश ऑर्डर करवाया था। ये मुझे 2 हफ्ते हो गए ऑर्डर करवाए हुए और मैं इसे डेली यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको इसका रिव्यू देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक्वालॉजिका का फेस वॉश है। इसे मैं 2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है और इस फेस वॉश में आपका पपाया और विटामिन सी है और ये आपकी स्किन को ब्राइटन और हाइड्रेट करेगा। और इसमें लिखा हुआ है ये यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है और मैं इसकी हॉनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। मैंने इसे पहले यूज़ किया है, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है। ये प्रोडक्ट सच में बहुत ही अच्छा है और मैं इसे 2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ और मेरे स्किन पर कोई भी ब्रेकआउट्स या ड्राइनेस, कुछ भी मुझे हैवीनेस कुछ भी फील नहीं हुआ है। और ये एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस स्मूदी फेस वॉश है। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है गाइस, आप भी इसे यूज़ करके देखिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इसका फेस वॉश और इसका मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र है, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैं डेली लगाती हूँ, नाइट में भी और डे में भी, क्योंकि ये दो, इसमें लिखा हुआ है कि आप इसे 2 टाइम लगा सकते हैं। और ये एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस जेलो मॉइस्चराइज़र है और ये भी यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है। अभी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कांच के बॉटल में है और ये येलो टाइप का है, क्रीमी येलो जेल टाइप में ये मॉइस्चराइज़र है। ये देखिए फ्रेंड्स, और येलो है और ये जेल टाइप में है और बहुत ही स्मूथ, मतलब स्किन में एकदम आराम से स्किन में आपके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और कोई भी आपको हार्म्स नहीं पहुंचाएगा। और ये मैं 2 हफ्ते से इसे यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है मॉइस्चराइज़र और ये बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं मुझे हो रहा है इसको लगाने से। बिल्कुल नॉर्मली स्किन रह रही है मुझे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मॉइस्चराइज़र लगाने से। और ये क्रीम बिल्कुल भी, मतलब मेरे चेहरे पे कोई भी ब्रेकआउट्स, पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ मुझे। और ये इस पर इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने बताया है कि ये आपके पिगमेंटेशन पे काम करेगा और आपके आपको ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, आपको ड्राइनेस फील नहीं होगा और ये आपकी स्किन को धीरे धीरे सॉफ्ट, ग्लो और बहुत ही स्मूथ बनाएगा। और ये आपकी स्किन को विटामिन सी है इसमें, तो विटामिन सी तो आप लोग जानते हैं कि कितना स्किन के लिए फ़ायदा होता है। विटामिन सी आपकी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं आने देती हैं, आपकी स्किन ग्लो करेगी और ड्राइनेस फील नहीं होगा और आपका स्किन बहुत ही अच्छा हो जाएगा इस क्रीम को लगाने से। मैं 2 हफ्ते से इसी को लगा रही हूँ और मुझे कोई भी इससे नुकसान नहीं हुआ अपने मेरे चेहरे पर। मैं इसका हॉनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, मैं इसे यूज़ की हूँ फिर मैं आपको रिव्यू इसका दे रही हूँ।
और मैंने इसे 2 हफ्ते से चेहरे पे लगाया है और मुझे बहुत ही ये अच्छा लगा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि और भी कोई मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ तो मुझे हैवीनेस फील होती है। ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र है और ये तुरंत स्किन में बिल्कुल भी तुरंत स्किन में समा जा रहा है। ये स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है, कुछ भी मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। और इसको मैं मेकअप के अंदर भी इसको लगाकर मॉइस्चराइज़र मेकअप अपना कर रही हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लाइट मॉइस्चराइज़र है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप भी इसे यूज़ करिए और देखिए लगाकर कि ये कैसा है। अब फ्रेंड्स मैं सनस्क्रीन की बात करूँगी। ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा है, ये सनस्क्रीन मुझे आज तक कोई भी सनस्क्रीन पसंद नहीं आया। ये फर्स्ट सनस्क्रीन है जो मुझे पसंद आया है, क्योंकि ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता और ये स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और मुझे ये बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। फ्रेंड्स मैंने लक्मे का लगाया है, लोटस का लगाया है, अरोमा मैजिक का भी मैंने सनस्क्रीन्स लगाया है, लेकिन ये मिरेकल है मेरे लिए, ये बहुत ही अच्छा है। और ये एक्वालॉजिका ग्लो प्लस डुई सनस्क्रीन है और ये भी उसी रेंज का है, पपाया एंड विटामिन सी। ये भी ब्राइटनेस और हाइड्रेट करेगी स्किन को और इसका ये SPF है, SPF 50+ है और ये PA++++UVA UVB है और ये हमको सन से प्रोटेक्ट करेगा। और आप जानते ही हैं कि मैं पुणे में रहती हूँ और यहाँ धूप बहुत तेज होती है और ये 50+ का है तो मैं इसे लगाती हूँ और अपना बहुत अच्छे से ये मुझे मेरे स्किन मेरे चेहरे पर वर्क करता है। इससे मुझे सन की जो हार्मफुल किरणें हैं उनसे मुझे नुकसान नहीं पहुँचेगा। और फ्रेंड्स आप इसे फेस वॉश, पहले आप इसे फेस वॉश करिए, फिर ये मॉइस्चराइज़र लगाइए, देन ये सनस्क्रीन लगाइए, तीनों बहुत अच्छे से आपके स्किन पर काम करेगा। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बता दिया एक्वालॉजिका का, ये तीनों ही प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये सनस्क्रीन, क्योंकि ये डुई तरीके से आपकी स्किन पर काम करता है और डुई लुक देता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और तीनों ही मुझे बहुत ही पसंद है। मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट कर रहा है और मुझे बहुत ही पसंद है एक्वालॉजिका का। पहले मैं अरोमा मैजिक का इससे पहले लगाती थी, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और देन अब ये तीनों मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। आप भी गाइज इसे यूज़ करके देखिए और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाइए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स बाय चिल्ड्रेन।